हेलो माय ब्यूटीफुल सखियो। तो चलिए आज हम दोनों जा रहे हैं सरोजनी नगर, आप भी चलिए हमारे साथ। ये देखो देखो, बाबू 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 बाबू, बेटे डॉगी के बर्तन में क्या करने जा रहा है? सड़ा पड़ा है, वो सड़ा पड़ा है। होए होए। हेलो एंड वेलकम टू द व्लॉग वंस अगेन। तो आज हम आए हैं सरोजनी नगर और आज है मंडे। आज मैंने पोस्ट किया था कि आज कोई वीडियो नहीं आएगी, तो मैं कहीं जा रही हूँ अर्जेंट, तो मैं यहाँ आई हूँ सरोजनी नगर बेबी से मिलने, अपने बेबी से मिलने आई हूँ। और ये वो घर है गाइस जहाँ पे पार्ट पैदा हुआ था, तो पार्ट यहाँ पे पैदा हुआ है, यही वो घर है। यहाँ पे भी हवाई जहाज़ पीछा नहीं छोड़ रहे। तो सरोजनी नगर के घर ऑलमोस्ट टूट चुके हैं, सारा का सारा लाइन पूरा खाली हो चुका है और मंजू लोग भी यहाँ से जा रहे हैं अब। तो वो है मंजू एंड मंजू अभी आना नहीं चाहती क्योंकि मंजू ने फैंसी ड्रेस पहना है। ऊपर ऊपर दिखा देती हूँ मंजू तुम्हें। चलो हेलो कर दो। हेलो। हाँ तो मंजू से आप लोग पहले मिल चुके हैं एक व्लॉग में एंड आज मैंने सोचा था शूट नहीं करूँगी बट मोबाइल निकाला क्योंकि फिर कल मेरे पास शूट करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर आई थी किसी काम से बहुत ज़रूरी, तो बस अभी बैठे थे और अब थोड़ी देर में घर के लिए निकलेंगे। और इस बच्चे का नाम क्या रखा है कुछ पता चलेगा हमें? कुछ भी नहीं। इस बच्चे का, ये बच्चा 6 महीने का हो चुका है, इतने नाम दिए थे इनको, कोई नाम पसंद नहीं आया और इन्होंने अभी तक कोई नाम भी नहीं रखा है। हाँ कौन सा सबसे तुम्हें नाम चाहिए? क से? तो क नाम से सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में कोई प्यारा सा नाम, छोटा सा और अच्छा सा। हाँ खा लो बेटा, खा लो खा लो खा लो। ओह गॉड, बाबू बाबू बाबू। एंड ये है अंकित एंड इसको तो आप जानते ही होंगे। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लगा है बेर का पेड़ और बेर के पेड़ में आए हैं छोटे छोटे से गोल गोल बेर और मुझे लगता है कि फरवरी तक तो ये पकी जाएंगे पक्का, शिवरात्रि में चढ़ते हैं ना। तो यही वो घर है गाइस जहाँ पे मेरे पार्थू को मैंने कंसीव किया, जन्म दिया एंड 10 महीने वो इस घर में पला है। और इसके जस्ट पीछे था ध्यानी आंटी का घर, तो ध्यानी आंटी ही मुझे यहाँ लेके आई थी एंड मंजू मेरी मकान मालिक हैं तो थी तो। और यही है जहाँ हमने 2-2.5 साल गुजारे और अब ये सारे मकान टूटने वाले हैं। तो वो जो खिड़की आपको दिख रही है वो मेरा कमरा हुआ करता था एंड उसकी भी शायद कोई इमेज होगी तो कभी जरूर दिखाऊंगी आपको कि अंदर से बहुत ही सुंदर लगता था, मैं उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखती थी। और बस ये देखिए थोड़े से यहाँ पे भी भैया ने वेजिटेबल्स लगा रखे हैं, ये मिर्ची अभी सूख गई है क्योंकि अभी ये लोग 10-15 दिन गांव में रहे और मैं किसी कारण से यहाँ आई हूँ तो एक दुख आया है घर में और बस समय के संग संग वो दुख कम हो जाए भगवान करे बस, और यही दुआ करती हूँ मैं। खैर चलिए छोड़िए और मैं बात करती हूँ कि ये सरोजनी नगर टूटने वाला है और बस कुछ ही दिन में यहाँ बिल्डिंगें खड़ी हो जाएगी, तो देख लीजिए बस बची कुची ग्रीनरी है। सो गाइज अब हमारे हैं वापस घर जा रहे हैं और मैं दिखाना चाहती हूँ जो पार्ट मेरे पेट में था, तो इस जगह पे मैंने बहुत वॉक की। तो ये है वो जगह जहाँ पे मैं पूरी वॉक करती थी सुबह से शाम तक।
ये देखिए, तो ध्यानी आंटी मुझे लेके पूरे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे हम वॉक करते थे, और हम यहाँ के सारे घर टूट चुके हैं, देख पा रहे हैं आप। अदर तो अब हम दोनों जा रहे हैं घर, है ना पार्थो? आपको बेबी अच्छा लगा? और अंकित भैया तो आपके बेस्ट फ्रेंड है ना? तो पार्थो ने आज बहुत आज मैंने अंकित भैया को सी के लाइक दे दिए, अब ए लाइक दे दिए, एक लाइक दे दिए। अच्छा, और आपको अच्छा लगा यहाँ पे? ओके ओके ओके, क्योंकि ऐसे घर टूटे ना। हाँ हाँ, कि जो वो लाल मिल के बीच पे नहीं होते, टूटे टूटे टूटे। अच्छा, तो बस घर पहुंचेंगे फिर मिलेंगे आपसे। हे गाइस, तो अब हम आ गए हैं और बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैं जा रही हूँ मैगी बनाने और एक तरफ जा रही हूँ चाय चढ़ाने। तो बस जैसे ही मेरी मैगी, और मैं बताना चाहूँगी कि आपने अभी तक ट्राई करी है कि नहीं करी, आई डोंट नो, टॉप रेमन की करी, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है टॉप रेमन की करी वाली। एक आती है टॉप रेमन खाली, बट ये करी वाली एक बार ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी लगेगी। तो बस गीता आ जाएगी फिर, तब तक उससे पहले पहले मैं फटाफट बना। हे गाइस, तो मैं आते आते काफ़ी लेट हो गया था, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि जल्दी से क्या खा सकते हैं, तो ये खाया और इधर चाय चढ़ा लूँगी। और आते आते बहुत लेट हो गया इसलिए क्योंकि सब्जी भी लेते हुए आई, पार्क को खिलाते हुए आई पार्क में, आधा घंटा और खड़ी रही पार्क के बाहर, तब तक ये सब्जी खरीद ली। और सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि मैं क्या बताऊँ, 90 रुपये किलो प्याज मिले हैं, और ये बास्केट में अपनी लेके जाती हूँ ताकि ईजी हो कुछ भी लेके आने जाने में। एंड मेरा इधर हो गया है मैगी रेडी, एंड आपके उधर प्याज कितने रुपए केजी मिल रहे हैं मुझे ज़रूर बताना, बहुत महंगे हो गए हैं। एंड यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और आप सोच रहे होंगे टी बैग, तो जी हाँ, मैं अपने टाइम को बचाने के लिए टी बैग यूज़ करती हूँ, और ये इसलिए लिए हैं क्योंकि एक तो सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं, अच्छे नहीं लगते मुझे, ऊपर से बार बार एडिटिंग के बीच में से उठना मुझे बहुत बुरा लगता है चाय के लिए, तो माइक्रोवेव में सिंपल सा अपना मैं पानी और दूध उबाल लेती हूँ, एक टी बैग डालती हूँ और चाय पी लेती हूँ, तो इसीलिए बस टाइम की बचत हो इसलिए मैं टी बैग यूज़ करती हूँ, और इनके धागे निकाल के हटा देती हूँ जब मैं पतीले में बनाती हूँ, तो बस सिंपल है। सो बस हमने मैगी वैगी खा लिया, उसके बाद हमने पार्थो का होमवर्क कराया, खाना बनाया, एंड अब मैं पार्थो को थका रही हूँ खिला खिला के, एंड आज उसको मैंने वो सारी गेम्स खिलाई जो हम बचपन में खेला करते थे। तो आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि बताइए पार्थो और मैं कौन कौन से गेम्स खेल रहे हैं। आई नो बहुत सारे लोग ही अपने बचपन में खेलते होंगे, जैसे कि मैं खेला करती थी अपनी बहनों भाइयों के संग, कजन्स के संग। तो आप बताइए आप लोग ये गेम खेलते थे, और जो गेम मैं खेल रही हूँ वो कौन सी गेम्स हैं आज पार्थो के संग। तो आजकल दौर कितना बदल गया है, बच्चों को मोबाइल्स गेम के नेम तो बहुत पता है, बट ये वाले गेम्स इनको पता ही नहीं है, और खेले भी कैसे, पहले बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे और अब सब लोग एक एक फ्लैट में ऐसे मटके रह गए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, नीचे बैट बॉल खेल लेते हैं बच्चे, और क्या खेलते हैं। तो ये कुछ गेम्स हैं जो मैं पार्थो को खिला रही हूँ, सिखा रही हूँ, एंड आज उसने एक बात बोली मुझे खेलते खेलते, वो मुझे देखने लगा और उसने मुझसे कहा कि मम्मा आप जब मेरे संग ऐसे खेलते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज आप डैडी की तरह मेरे संग खेल रहे हो। तो जब अनूप होते हैं ना तो अनूप इसके संग बहुत ज़्यादा खेलते हैं, एंड मैंने रियलाइज़ किया कि मैं पार्थो के संग बिल्कुल भी नहीं खेलती आजकल, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसे टाइम देना चाहिए, मैं उसे बहुत कम टाइम देती हूँ, मैं अपने कामों में सिमट के रह गई हूँ, और बस मैं उसको उतना ही टाइम दे रही हूँ जितनी उसको मेरी ज़रूरत है, लाइक उसका खाना, उसका नहाना, उसके कपड़े, और उसको सुलाना, उसकी पढ़ाई, बट जो एक्स्ट्रा टाइम वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो मैं शायद उसे नहीं दे रही हूँ। तो आज मुझे भी उसके संग खेल के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एंड मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय और चीज़ों के। तो आजकल आप ध्यान दे रहे होंगे तो मैं कमेंट में बहुत कम कमेंट कर रही हूँ, रिप्लाई कर रही हूँ,
मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रही हूँ और मैं सबको लाइक दे रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहना। और जब आप लोग को लगे कि दीदी रिप्लाई नहीं कर रही है तो बस याद कर लेना कि दीदी इस टाइम पार्थू के संग होगी और पार्थू को अपना टाइम दे रही होगी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत लिमिटेड टाइम है और मैं भी अपना वही 24 घंटों में से कुछ पल निकालती हूँ आप लोगों के लिए और अपने लिए, और उस बीच में शायद पार्थू कहीं खो जाता है, तो पार्थू वीडियो का शिकार ना हो इसके लिए उसको भी टाइम दे रही हूँ और हर चीज़ मैनेज कर रही हूँ। धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा, जैसे जैसे पार्थू बड़ा हो रहा है सब सेटल हो जाएगा एक दिन, आई नो, और मैं भी सीख जाऊँगी टाइम को किस तरह से यूज़ करूँ। तो अभी अनूप नहीं है ना तो इसलिए ज़्यादा बर्डन है मेरे ऊपर, बस यही रीज़न है। जब अनूप आ जाते हैं तो थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि वो पार्थ के संग बहुत ज़्यादा खेलते हैं, इसलिए शायद पार्थू डैडी को ज़्यादा प्यार करता है अकॉर्डिंग टू उसकी मम्मा। तो चलिए बताइए कौन कौन से ये गेम है और आज आपका दिन बहुत बहुत अच्छा जाए। मेरी तरफ से ये वीडियो आज के आपके लिए मैंने अपलोड कर दी, होप आप सबको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो बने रहिए मेरे संग एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना एंड अपना कमेंट भी देना, मुझे वेट रहता है आपके कमेंट का।